हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा वीडियो अभी का स्टार्ट हो गया है, तो अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप लोग के साथ मैं आज को शेयर करने जा रही थी, हुआ क्या कि मेरा वीडियो कल सुबह ही स्टार्ट हो गया था, बट पूरा एंड नहीं मैं की दोपहर में। तो मैं अभी जस्ट मैं इस समय कर रही हूँ करके, मुझे अभी ही अपलोड करूँगी मैं, और जस्ट मैं बाल धुल के अभी आ रही हूँ और बाल धुल के आ रही हूँ, थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर ली हूँ। और मैं सुबह पनीर की सब्जी बना रही थी, जो आप लोग के साथ कुछ रेसिपी मैं थोड़ा थोड़ा करके उसका शेयर की हूँ। जैसे पनीर की सब्जी डेली सभी लोग बना रहे हैं, सभी लोग रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आवाज़ जो हो रही है उसे इग्नोर करिए, पीछे जो खटखट होती है बताती हूँ ना उसी की आवाज़ है। तो आप लोग मेरे मैं बता रही थी हाँ सब्जी के बारे में ही। तो मैं पनीर मटर पनीर बनाई थी, और मटर पनीर बनाई थी, सभी लोग पनीर बनाते हैं, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल सबके घर में बन रहा है, सब लोग खा रहा है, बट लेकिन मुझे, मैं बता रही हूँ, मुझे पनीर एकदम पसंद नहीं आता है। मैं खाती हूँ क्या कि उसकी जो ग्रेवी होती है, जो उसका ग्रेवी हम बनाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो मैं खाती हूँ, पर पीस मैं नहीं खाती हूँ। कुछ लोग कहेंगे हो सकता है इसे मिलता ही ना हो, तो मेरे लिए पनीर वगैरह इसे इतना मायने नहीं देता। मैं पनीर कितनी भूखी आई हूँ बच्चे खाते हैं सब खाते हैं, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो मैं उसकी ग्रेवी ज़रूर खाती हूँ, तो मैं पनीर बनाई थी, लेकिन पनीर मैं एक सिंपल तरीके से बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। सादा भी उस तरीके से, कभी कभी होता है हम लोग बाहर से भी खाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो गाढ़ा गाढ़ा उसका ग्रेवी जो बनता है उससे गाढ़ा गाढ़ा ना होता है तो मन भर जाता, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाह रहा था। तो मैं बहुत पतले में, थोड़े पतले में करके बनाई थी ग्रेवी, उसका बहुत थिक गाढ़ा नहीं की थी। तो और प्याज भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं पसंद है किसी को क्या, बच्चों चाहिए सब लोग तो खा ही लेते हैं, अच्छा लगता है, हम लोग भी खा सकते हैं, लेकिन पापा मम्मी को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जी का भी दिक्कत हो जाती है, पापा को भी है प्रॉब्लम है। तो जब हमारे बड़े नहीं खाएंगे तो हमारे बनाने कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का केयर करना होता है। मैं उसी अकॉर्डिंग में, उसी हिसाब से बनाती हूँ कि सारी फैमिली खाए, अच्छे से खाए, ऐसा ना हो कि एक खाए दो ना खाए तो ये अच्छा नहीं लगता। तो बहुत तेल वाला, बहुत मसाले वाले, बहुत चीज़ें ऐसा नहीं डाल के कि ओवर हो जाए तो खाए ना, ये ऐसा नहीं मैं बनाई थी। तो मैं रेसिपी शेयर की हूँ, जो आप लोग भी देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। वैसे बनाते तो सभी लोग हैं, कोई बताने की बात नहीं है। और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ, तो मैं सोची क्यों ना उसको भी इसी साथ में बता ही देती हूँ। तो उस दिन मैं मार्केट गई थी, कुछ काम था जिसके लिए मैं गई थी, तो मैं गई थी कुछ चीज़ें लेने, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला, बट मैं कुछ दूसरा अपने लिए कुछ लेके आई थी। और मैं जो कि इसके बारे लिए काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अब लूँगी, लेकिन होता क्या था, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता था, फिर उसको भूल जाते थे, छोड़ देते थे, कहते थे छोड़ो जाने दो, ऐसा क्या है। तो ये जैसे होता ना, अपने लिए कुछ करने के लिए इग्नोर करना, वो चीज़ें हो जाता था। तो जब बच्चे रहते, फैमिली रहती, तो उन सबके बारे में सोचते, अपने के लिए इग्नोर करना पड़ता, तो वो चीज़ें मैं करती थी। कोई बहुत ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन हाँ मेरा मन था काफ़ी दिन से, मैं लूँगी साइड तो उसको मैं फाइनली अब ले ली हूँ। और मैं लेके अभी गई भी थी, बाहर भी निकली थी, तो मैं उसका हाल नहीं बता सकी थी, मैं नहीं दिखाई थी, तो मैं सोची क्यों ना दिखा दूँ, जो आप लोग देख रहे हैं। देखिए, है तो छोटा चीज़, लेकिन कभी कभी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा पर्स है, जो मैं पर्स अभी ली हूँ, मैं मार्केट मंगा ली हूँ। ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं कई बार देखी, जैसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं सोचती हूँ ऑनलाइन पे एक विश्वास होने वाली चीज़ की, हम जब तक देखें ना अपने हिसाब से तब तक लेना अजीब सा लगता है, तो यही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। और मंगाने की कोशिश करते हैं, बट फिर होता है अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर आएगा, फिर रिटर्न करो, फिर ये करो, तो वो बातें फंस जाती है, इससे फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी, वहाँ से ली थी, ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे डालती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे ऐसे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, और भी था ये भी
इससे अच्छा मुझे नहीं था, बस इससे बड़ा था, बट मुझे वो उतना जश्न नहीं रहा था, तो मुझे नहीं लेना था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। मैं सोची इसको लिए होता क्या कि जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं सूट पहनते हैं, साड़ी तो उतना ही मायने नहीं रखता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम सूट पहनते हैं तो बाहर जाते कभी कभी होता है हमें हाथ में पर्स लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से टांग लेते हैं तो हमारी स्टैंडर्डता, हमारी क्वालिटी अलग से खिल के आती है, होता है ना। तो ये चीज़ें, और तो बहुत लोग इस पे कमेंट भी कर देते हैं, हाँ स्टाइल मार रही है। तो ये बातें आ जाती है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, अपना अपना कुछ शौक होता है, अपना भी कुछ चॉइस होती है ये चीज़ें, और कहीं ये नहीं लिखा है कि हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को करने चाहते हैं, तो इसमें मुझे कोई मायने नहीं देता है कोई क्या कहता है, बस हमें सही रहना चाहिए, हमें सही काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही सोचती हूँ। तो मैंने इतनी सारी बातें आप लोग से कर ली, तो चलिए आप छोड़िए, ज़्यादा बातें ना करते हुए जो हमारी रेसिपी है उसको मैं शेयर कर देती हूँ, पनीर की सब्जी को, आप लोग भी उसे देख लीजिएगा, और देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। तो गाइस देखें यहाँ पे मेरा किचन में मैं आ गई हूँ, ये देखें मेरा पनीर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पनीर मेरा बने, पनीर मैं पीस पीस काट ली हूँ, कटिंग कर ली हूँ, कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, मैं पनीर को नहीं तलूँगी क्योंकि पनीर तलने पे थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, और ये मटर है, मटर को मैं उबाल ली हूँ क्योंकि इस समय तब तो थोड़े मटर कड़े कड़े आ रहे हैं, और लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट है मेरा, और ये देखिए मैं तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, ये तेल है मेरा सरसों तेल, मैं जो इसमें डालने जा रही हूँ सरसों तेल में ही, बेटी ये आ गई, छोटी बेटी सामान देने आ गई थी तो बोल रही थी, तो ये था, और मैं तेल को डाली हूँ, मैं पनीर को नहीं तलूँगी, बस उसी तरीके से सारा ग्रेवी जब मैं मसाले तैयार कर लूँगी तो उसी में मैं पनीर डाल के मिला दूँगी। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें मैं पहले मिर्ची डालती हूँ, दो ठो मिर्ची थोड़ा सा डाल देती हूँ, मैं अपने स्लैब पे ही मिर्ची काट लेती हूँ उसी से डाल देती हूँ, तो मैं मिर्ची को काट रही थी डाल रही थी और डाल दी मैं मिर्ची, अब इसमें मैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसे मैं ऐड करूँगी, और उसे ऐड करके उसे मुझे थोड़ी देर तक ही भुनना रहेगा, इसलिए भुनना रहेगा जितना देर तक वो उसका स्मेल जो होता है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से पानी छोड़ दे, पानी नहीं सॉरी तेल छोड़ दे, जब जैसे मसाले होते हैं या हमारे कोई भी चीज़ होते हैं जब बहुत अच्छे से भुना जाते हैं तो वो तेल छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो उसी तरीके से मैं इसे कुछ देर तक ऐसे भूनती रहूँगी, भून लूँगी, जब ये कलर चेंज हो जाएंगे इसमें तेल छोड़ने लगेगा तो फिर मैं इसमें मसाले को फिर ऐड करूँगी, और मटर मेरा उबला ही है, पनीर काट करके रख ली हूँ, मैं साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ क्योंकि चाय सुबह का टाइम है और चाय भी पीना था, दूसरा कप मेरा चाय है, फर्स्ट नहीं, एक कप सुबह ही हो जाता है 6 बजे 6:30 बजे, इस समय बजे हैं 8:30 पौने 9, तो मैं बना रही हूँ अभी, यह है मेरा मसाले कुछ मैं चल रही हूँ, मसाला अपने जो डालना है मुझे उसमें उसकी तैयारी करनी, मसाले मैं रख ले रही हूँ, और प्याज अभी भुना रहा है, ये ग्रेवी वाली चीज़ें तो इसे भुना जाए, तो मैं मसाले को देख रहा जिस मसाला मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे मंगाना है थोड़ा सा था तो भी बहुत है इस सब्जी के लिए, इफ़रात है ये, तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, तो मुझे इसे तैयार करना रहता है। तो गैस मेरा मसाला भुना रहा है, मसाला भी मैं डालती हूँ, मसाला भी थोड़ा सा अच्छे से भुना जाए तो फिर मैं इसमें, थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो मैं थोड़ी सी और डाल दे रही हूँ, मसाले को ऐड करके अच्छे से भून लेती हूँ, तो मैं टमाटर का प्यूरी जो बनाई हूँ टमाटर पीस के उसको भी मैं इसी में ही भूनूंगी, थोड़ा सा ये लाल रेगी मिर्च है, मैं ऐसे पैकेट का मंगाई थी क्योंकि मुझे अचार जो मैं बना रही थी उसमें डालने के लिए, लाल मिर्च मैं यूज नहीं करती, कोई भी मिर्च हो डेगी मिर्च हो चाहे कोई भी मैं यूज नहीं करती, और हरी मिर्च का यूज करती हूँ, तो ये हल्दी पाउडर है जो भी मैं डिब्बे में अपनी ऐड नहीं की हूँ, पैकेट का ही है रखी हूँ, डिब्बा भी डिब्बे में नहीं रखी, टाइम नहीं मिला तो थोड़ा सा ये इग्नोर करिएगा इसे, तो ये देखिए इसे भुना रहा, मैं मेरी आदत है मैं इसे सूंघती रहती हूँ जो भी भूनती रहती हूँ, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जब फ्राई हो जाता है तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी जो हमारी है उसे भी इसी में डाल के भून लूँगी, जैसे कट करके नहीं डालूँगी उसे प्यूरी बना ली हूँ तब डालूँगी, उससे होता है टेस्ट अभी अच्छा जाता है, थोड़ा सा फ्राई भी हो जाता है, और आजकल अब टमाटर थोड़े कड़े आ रहे हैं तो उसके पत्ते भी अंदर से छिलके मोटे हो जाते हैं, तो पीसने से पता नहीं चलता उसकी प्यूरी तैयार करने से, मैं कुछ इस तरीके से मसाले को तैयार कर रही हूँ,
और साथ साथ में चाय भी मेरा चल रहा है, जो चाय मैं पी रही थी, और उसी समय मैं पनीर उधर कटिंग की हूँ और फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ। इस मसाले थोड़ा टाइम लगता है मसाले को तैयार करने में, क्योंकि जब तक अच्छे से वो भुनाता नहीं है तो उसकी अच्छे से स्मेल नहीं आती है। और मेरी मैं आदत है जो बार बार सूंघने वाली, तो मेरी बहुत गंदी आदत है, बट मैं मानती नहीं हूँ, जरूर कर लेती हूँ, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं टमाटर की प्यूरी जो है उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि 2 मिनट उसे भी थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि उसमें भी पूरे अच्छे से एक जॉब हो जाए मसाले ही सारी चीज़। तो मैं उंगलियों से इसे चला के एक साइड में कर दे रही हूँ। ये देखिए तो मसाला मेरा भुना गया, इसमें टमाटर की प्यूरी भी मैं डाल दी हूँ। अब इसको भी डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसे थोड़ी से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जब ये भी फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी पनीर, और पनीर डाल के पूरे मसाले को मिलाने के बाद पनीर में तब मैं इसमें डालूँगी पानी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि पनीर थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मसाले में तो अच्छा लगता है, नहीं तो पानी में पड़ते ही पानी पानी लगेगा। तो इसीलिए मैं पनीर को भी ऐड कर दूँगी अभी इसी मसाले में ही। तो मसाले में ऐड करके थोड़ा सा मिला के बस चला के, बहुत ज़्यादा नहीं चलूँगी नहीं तो फूट जाएंगे, क्योंकि मैं तली तो हूँ नहीं कड़का, और मुझे तलना पर थोड़ा टाइट लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे खाने में अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत नरम सा अच्छा लगता है। तो मैं कुछ इस तरीके से मसाले को भून रही थी और टाइम लग रहा था थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा इसमें समय थोड़ा लगता है। तो मसाले को भूनते भूनते मैं अभी से फ्राई, अब मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ अच्छी स्मेल आने लगी है मसाले की। तो मैं अब मसाला जब भुना जाता है तो फिर मैं लोग को दिखाती हूँ कि मैं पनीर भी को कैसे ऐड इसमें कर दूँ। मटर पहले ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मटर तो उबला हुआ है, पकने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे पकाना है तो काफ़ी देर तक रहना है। तो मटर भी ऐड हो गया, ये मेरा पनीर भी इसमें ऐड हो गया, जो कि मैं बड़े बड़े टुकड़े में काटी हूँ, ये नहीं छोटे टुकड़े में की हूँ। तो कुछ मसाले के साथ इस तरीके से मैं मिला दे रही हूँ, थोड़ा सा मसाले के साथ जब मिल जाएगा तो अच्छे तरीके से जॉब हो जाएगा एक दूसरे में। तो इसीलिए मैं इसे मिला रही हूँ अच्छे से, और मिल जाता है थोड़ा सा फिर मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। और पानी डाल देने से, पानी मैं डालूँगी अधिक, ये नहीं है कि बहुत थोड़ा डालूँगी, मुझे बहुत थिक बहुत गाढ़ा वाला चीज़ें नहीं पसंद होती है, तो इसीलिए देखती। तो मैं ये पानी भी मैं इसमें डाल दी हूँ, अभी थोड़ा और पानी में मैं डाल दूँगी कि अच्छे तरीके से थोड़ा सा हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए पानी मेरा पड़ चुका है, अब इसमें नमक भी मैं ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करके थोड़ी देर तक मैं इसे 10 मिनट तक फिर पका लूँगी, क्योंकि पका हुआ सारा सामान है, बस पानी हमारा अच्छे से पक जाए जो इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए देखिए इस तरीके से, देखिए ये पूरा गाढ़ा गाढ़ा नहीं ना, ठीक सा ये नॉर्मल सा है, इसमें मटर वो सब है। तो चलिए मेरी पनीर बन के तैयार हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी पनीर तैयार हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा लगे।